जयपुर के एमजीडी स्कूल में आज से ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम लीड आई की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में ओलंपिक शूटर शगुन चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। शिविर में देश विदेश से आए विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। शिविर के पहले दिन छात्राओं को राजस्थान की लोक कलाएं सिखाई गई। इसके साथ ही छात्राओं ने गरबा और घूमर नृत्य भी सीखा। विद्यालय के प्राचार्य अर्चना एस मनकोटिया ने बताया कि छात्राओं में लीडरशिप के गुर विकसित करने के लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने एक लीडरशिप प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए तैयार किया है, क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियों को अब आगे आना है और उनको सब जगह नेतृत्व में आगे रहना है, ऊपर रहना है। तो काफ़ी स्कूलों से हमने लड़कियों को इनवाइट किया है, जैसे इंडिया से भी हैं, तो पटियाला से आए हैं, नैनीताल से आए हैं, राजकोट से हैं, और बाहर के स्कूल भी है। भूटान से 4 स्कूल के बच्चे आए हैं, एमिटी शारजा से आए हैं बच्चे, और ये सब कुल मिला के 40 बच्चे हैं। अलग अलग कैप्सूल्स लीडरशिप के बारे में हम उनको लीडरशिप के बारे में बताएंगे, और इसमें भारत के बारे में भी काफ़ी चीज़ें उनको उनको ज्ञात कराएंगे कि हमारा कितनी बड़ी कैसी संस्कृति है, क्या है, जो हमारा स्कूल है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम कैसे एक्सप्लॉयट करें ताकि विश्व के फ्यूचर लीडर्स आके इकट्ठे बैठें, इकट्ठे पार्टिसिपेट करें, इकट्ठे खाएं, और हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान का कल्चर को अंडरस्टैंड करें, और जो प्रोग्रेस हिंदुस्तान कर रहा है, जो फ्यूचर ग्लोबल लीडर है, उसके बारे में जानकारी हो। तो ये 14 दिन का प्रोग्राम है। ये मिस्टर मनकोटिया जो प्रिंसिपल हैं और उनकी टीम ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कुछ हिस्सा स्कूल के कैंपस के ऊपर होगा और कुछ हिस्सा हम उनको हिंदुस्तान में घुमाएंगे ताकि वो देखें कि हिंदुस्तान ने क्या क्या तरक्की की।